हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे देख सकते हैं जो कार है मारुति, उसकी स्विफ्ट डिजायर है जो कि डीजल है, और इसकी लाइट देख सकते हैं बिलिंग कर रही है जो स्टार्ट करने पर, और स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। जैसे देख सकते हैं मैंने ऑफ़ किया, और ये जो है ऑटोमेटिक है तो ब्रेक दबा के स्टार्ट मारना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं मैंने ब्रेक दबाया और स्टार्ट मार रहा हूँ, तो सिर्फ लाइट बिलिंग कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। और फ्यूल भी देख सकते, फ्यूल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो देखेंगे क्या है और चेक करके बताएंगे आगे, देखते क्या हुआ है। तो देख सकते हैं, देखते इसमें फ्यूल नहीं है कि और कुछ प्रॉब्लम है, और जो कि देख सकते काफ़ी स्पीड में बिलिंग कर रहा है जो कि फ्यूल का लाइट, ये देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वायरिंग भी खा गया और सीट भी काट दिया है, जैसे देख सकते हैं सेफ्ट सीट का रहा वायर देख सकते हैं, पूरे सीट की टुकड़े टुकड़े कर दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़े अंदर से काट के रख दिया चूहे ने, और काफ़ी सारे वायरिंग भी काट दिए। जैसे देख सकते पूरा अलग कर दिया सॉकेट, जो कि फ्यूल और डीजल का दोनों वायर काटा हुआ है। तो देख सकते ये सॉकेट भी पूरा अलग है, अभी सॉकेट निकालता हूँ तो देख सकते, और मैंने सॉकेट भी निकाल लिया, और जो कि ये देख सकते सॉकेट है, मैंने सब छील लिया वायरिंग वगैरह सब। इसको ज्वाइंट करना है, कलर टू कलर ज्वाइंट करके रखना है। तो सबसे पहले इसको कलर टू कलर ज्वाइंट करेंगे और साफ़ करेंगे इसको, क्योंकि साफ़ भी करना पड़ेगा। तो जाके देख सकते ने कलर टू कलर ज्वाइंट कर लिया, एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। तो देख सकते हैं, तो देख सकते हमने ज्वाइंट कर लिया और करते स्टार्ट। तो चलिए देखते स्टार्ट करके कि क्या है आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हमने ज्वाइंट कर लिया अच्छे से और स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि देख सकते। और देख सकते हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और जो कि फ्यूल लाइट तो ब्लिंकिंग भी बंद हो गया, फ्यूल भी दिखा रहा बरोबर, और लाइट भी ब्लिंकिंग नहीं हो रही है। तो देख सकते जो प्रॉब्लम थी इसकी थी, वायरिंग कटा हुआ था इसके लिए,